नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपका लॉजिकल ट्रेडर्स में स्वागत करता हूं। पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग आज के एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। आज जैसे कि आप जानते हैं एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का। तो देखिए दोस्तों मार्केट में हुआ क्या, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके ऊपर गया और ऊपर हो जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक सप्लाई जोन था कल का जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद फिर नीचे आ गया है, दोबारा प्राइसेस यहीं गई हैं और फिर नीचे आ गई है। तो सप्लाई और डिमांड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसीलिए होता है क्योंकि प्राइस उस जोन्स को रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। अब देखिए प्राइस नीचे आ गई है, अभी और डाउनफॉल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग। तो कल देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी तक का तो एनालिसिस यही था, एक पॉसिबल जो ट्रेड बन रहा था वो पहला ट्रेड ये था सेल का, दूसरा ट्रेड मैंने ये नहीं लिया था सेल का क्योंकि तो मार्केट क्लोज होने वाला था, तो मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर लिया नहीं पहला, बल्कि ये सेल का ट्रेड जो था ये मैंने लिया था और ये मैं प्रॉफिट इस कैंडल में लेके निकल गया था। दोस्तों जैसा कि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये सप्लाई और डिमांड जोन आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमें भी बताइए सिखाइए हमें भी। दोस्तों आज वो जो सीक्रेट है हमारा वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली सप्लाई और डिमांड का जो कैसे फाइंड करना है सप्लाई और डिमांड वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे मैं सप्लाई और डिमांड फाइंड आउट करता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले मैं कुछ आपको बता दूं मार्केट प्रोफाइल, बहुत लोग नए होंगे बहुत लोग नहीं जानते होंगे मार्केट प्रोफाइल के बारे में। एक मार्केट प्रोफाइल जैसे अदर इंडिकेटर्स हैं वैसे ये भी एक इंडिकेटर है। ओके, मार्केट प्रोफाइल एक चार्टिंग टूल है, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं वैसे ही मार्केट प्रोफाइल भी एक चार्टिंग पैटर्न है। इसके डीप में ना जाते हुए मैं आपको जो ब्रीफ है वो सारी चीज़ें समझाता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर हम बात करते हैं उस एस्पेक्ट पे। देखिए दोस्तों मैं पहले कह दूं कि मार्केट प्रोफाइल और अदर इंडिकेटर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अदर इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, वो प्राइस चलता है तब वो इंडिकेटर्स फॉर्म होते हैं, लेकिन मार्केट प्रोफाइल के साथ ऐसा नहीं है, वो सिंपली प्राइस एक्शन है, एक तरह प्राइस इंडिकेटर और केवल प्राइस दिखाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मार्केट हमेशा एक बेल शेप्ड कर्व बनाता है। ठीक है, बेल शेप कर्व बनाता है ऐसे, जहां पे ये जो पॉइंट है ये पोजीशन जो है ये जो पोजीशन है जो ये पोजीशन है मार्केट का, यहां पे क्या होता है कि मार्केट जो है बहुत कम बार ट्रेड करता है, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे भी बहुत कम बार ट्रेड करता है और वापस इस एरिया में आ जाता है और यहीं ट्रेड करता है। तो ये जो बेल शेप कर्व बनता है यहाँ पे 70% to 80% ट्रेड हुआ रहता है मार्केट का, बाकी रेस्ट जो ट्रेड होता है ट्रेड वो इन दोनों जोन में होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है बाजार, जहाँ पे ज़्यादा समय बिताता है जिस रेंज में 70% ऑफ टाइम जिस रेंज में बाजार रहता है उसको बोलते हैं वैल्यू एरिया।
जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ट्राई टू बिकम अ वैल्यू ट्रेडर। वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइस हमेशा वैल्यू एरिया में ही ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि वही फेयर प्राइस होता है। प्राइस हमेशा वैल्यू एरिया में ट्रेड करना चाहता है, इसलिए प्राइस हमेशा एक वैल्यू एरिया से ट्रेवल करता है दूसरे वैल्यू एरिया में। हम चार्ट्स पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लें हम। ये बार बार कोई आ रहा है एरर। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि एक वैल्यू एरिया से दूसरे वैल्यू एरिया में प्राइस आता है, तो ये वैल्यू एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस हमेशा अट्रैक्ट होती है वैल्यू एरिया के पास। वैल्यू एरिया एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट, वो मैग्नेट का काम कर रहा है, प्राइस को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। तो जो अगर वो प्राइस को खींच रहा है तो क्या हो गया वो? भाई जाहिर सी बात है ना, तब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। सिंपल सी बात ही है। एक्सक्यूज मी दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अगर ये जो पूरा एरिया है इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ये वैल्यू एरिया है। और ये ऊपर वाली जो लाइन है वो वैल्यू एरिया हाई है, नीचे वाली लाइन जो है वैल्यू एरिया लो है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, सबसे ज़्यादा बार प्राइस आई, उसको बोलते हैं POC। POC मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, प्राइस हमेशा अट्रैक्ट होती है POC की तरफ क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ट्रेड हुए रहते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैसे मतलब प्राइस रिएक्ट करती है इन वैल्यू एरियाज पे, और सीधे चार्ट पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है। ये हर जो पीरियड है ये 30 मिनट्स का पीरियड होता है। आधे आधे घंटे की कैंडल्स अगर आप देखें तो ये 30 मिनट का पीरियड होता है। और आप अगर देखेंगे तो ये जो रेड ब्रैकेट है ये है वैल्यू एरिया। ठीक है, ये वैल्यू एरिया है। आप जैसे कि यहां देख रहे हैं, इस कैंडल इस दिन 24 अप्रैल को वैल्यू एरिया यहां पे फॉर्म हुआ। ओके, वैल्यू एरिया यहां पे फॉर्म हुआ। और ये जो रेड आप ये देख रहे हैं, यहां पे रेड है, ये है ओपनिंग। मैं मार्क कर दे रहा हूं, बाजार यहां ओपन हुआ था। ओके, वन सेकेंड। ये जो रेड आप दिख रहा है, ये बाजार ओपन यहां हुआ था, उसके बाद एक ऊपर वैल्यू बनाया है यहां पे, ट्रेड कर दे रहा कट रहा। लास्ट सेशन में बाजार सीधे ड्रॉप हो गया और इस वैल्यू एरिया मार्केट ट्रेड करने लगा। तो जैसे चार्ट में देख के हमको पता चल ही जाता है कि वैल्यू जब यहां है तो प्राइस यहां पे आएगा ही आएगा, क्योंकि तो प्राइस हमेशा वैल्यू खोजता है, वैल्यू कहां पे है। ओके, अब देखिए अगले दिन प्राइस गैप अप हुआ और इस वैल्यू एरिया में जाके ट्रेड करने लगा। प्राइस यहां पे ओपन हुआ, इस जगह ओपन हुआ। सेकंड, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा दिखेगा। अब आपको सही से दिखेगा। यहां देख रहे हैं प्राइस ओपन यहां पे हुआ, इस वैल्यू एरिया में, इस वैल्यू एरिया में ओपन हुआ और यहीं पे ट्रेड किया। फिर लास्ट में प्राइस जो स्पाइक अप गया, ऊपर गया, और मे बी किसी दिन का ये वैल्यू एरिया रहा होगा यहाँ पे कहीं, जहां पे जाके प्राइस ट्रेड करने लगा। ओके, अगले दिन फिर देख सकते हैं इसी वैल्यू एरिया में प्राइस ने ट्रेड किया। ओपन तो हुआ यहाँ, ओपन यहां पे हुआ, लेकिन नीचे आके इस वैल्यू एरिया में ट्रेड करने लगा। ठीक, अगले दिन प्राइस ओपन हुआ और इसी वैल्यू एरिया में ट्रेड किया,
फिर अगले दिन प्राइस ओपन हुआ। देखिए यहाँ ओपन हुआ, इस प्राइस प्राइस ओपन हुआ और ऊपर जाके इस वैल्यू एरिया में, इस दिन के वैल्यू एरिया में ट्रेड करने लगा। ठीक है, अगले दिन प्राइस गैप डाउन हुआ, यहां पे गैप डाउन हुआ, ओके, और ऊपर जाके फिर इस दिन के वैल्यू एरिया में ये ट्रेड करने लगा। नेक्स्ट डे प्राइस फिर ओपन हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस फिर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद कुछ देर इसी वैल्यू एरिया में ट्रेड किया प्राइस ने, उसके बाद ड्रॉप डाउन हो गया। मे बी यहां पे कोई वैल्यू एरिया रहा होगा किसी दिन का, यहां पे ये विजिट किया है प्राइस। उसके बाद आप देख रहे हैं सीधे प्राइस नीचे ही जा रहे हैं, और ये प्राइस हमेशा वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट करते हैं। तो वैल्यू एरिया एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, प्राइस वहां पे जाती ही जाती है। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज बहुत काम आती है, जो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं, तो सपोर्ट का काम क्या करता है, मैं आपको 1 सेकंड क्लोज कर दूं। जैसे अगर आप ये सिंगल प्रिंट्स देख रहे हैं, ये जो सिंगल प्रिंट्स हुए हैं, ये भी बहुत हद तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। प्राइस अगर इस सिंगल प्रिंट्स में जाता है, ओके, यहाँ पे जैसे ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आया प्राइस, ये यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है, सिंगल प्रिंट में जाएगा तो वापस आएगा ही, या तो ऊपर या तो नीचे, और वो फाइंड करेगा वैल्यू। थोड़ा सा मैग्निफाइड है ये, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप, ये लेस वॉल्यूम जोन्स, ये लेस वॉल्यूम जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, प्राइस यहां पे अगर आती है तो वो बहुत तेजी से या तो नीचे आ जाएगी या तो ऊपर आ जाएगी। अगर ये इस दिन कैंडल अगर यहां पे आया होता, यहां से खुला होता, तो मे बी ये ऊपर चला जाता, इस वैल्यू एरिया में ट्रेड करने लगता, या इस दिन के वैल्यू एरिया में यहां पे ट्रेड करने लगता, या तो फिर नीचे आ जाता और इस वैल्यू एरिया में यहां पे कहीं ट्रेड करने लगता, हालांकि ओपन वहां नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यही था मतलब मेन तरीका फाइंड आउट करने का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जहां तक कि ये जो है, ये चार्ट जो मैं यूज करता हूं, इसे भी मैं बहुत हद तक मार्केट कंडीशन चेंज होने के बारे में एनालाइज करने के लिए यूज करता हूं। जैसे कि यहां पे मार्केट कंडीशन चेंज हुए थे और एक बहुत ही अच्छा ड्रॉप मिला था परसों, ठीक है, परसों नहीं, 7 मई को। ये सारे जो व्हाइट कैंडल्स बनते हैं, ये मतलब मार्केट कंडीशंस को दर्शाते हैं और ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस क्या था, 29,890। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस चार्ट में, यहाँ भी प्राइस नियर अबाउट वही था, 29,890 यहीं पे कहीं था प्राइस, और फिर प्राइस यहीं से एक शार्प डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, और ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये प्राइस जो आया है वापस इस वैल्यू एरिया में आया है। ठीक है, तो ये दोस्तों जरूर से ध्यान रखिएगा कि प्राइस जो है एक वैल्यू एरिया में से दूसरे वैल्यू एरिया में आता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। मेरा विश्वास है दोस्तों कि अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, मार्केट प्रोफाइल के बारे में ट्रेड करेंगे, उसके बारे में और जानेंगे, तो 100% आपके ट्रेड्स जो रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लान आउट होके निकलेंगे, और आपको मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं अभिषेक शर्मा लॉजिकल ट्रेडर से आपको, आप लोगों का अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई चीज़ के साथ, मे बी मार्केट प्रोफाइल में कुछ बढ़िया और डिटेल में।
हम लोग ढूंढ के लाए, तो आपको जरूर शेयर करूंगा। बने रहिए दोस्तों लॉजिकल ट्रेडर्स के साथ। थैंक यू सो मच।